साथियों, मुंशी प्रेमचंद का नाम उपन्यास सम्राट के तौर पर भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने उस समय कहानियाँ, गद्य लेखन, कई सारे उपन्यास लिखे जो कि उस समय की तात्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था थी उस पर उन्होंने तीखा व्यंग, उसमें जो सुधार की गुंजाइश, जो उस समय समस्याएं थीं वो लोगों तक अपनी लेखनी के माध्यम से पहुँचाई। जनसंख्या विस्फोट पर भी उन्होंने दो कहानियाँ लिखीं, एक कानूनी कुमार और दूसरी गमी। कानूनी कुमार का जो नायक होता है वो स्त्री को बच्चा जनने की मशीन बनाने की भत्सना करता है और पुरुष को ऐसे अत्याचार के लिए नर हत्या का दंड देने की वकालत करता है। कथानायक कहता है कि वह संतान निग्रह बिल को असेंबली में पास कराएगा और बिल के अनुसार दो बच्चों से ज़्यादा होने पर 5 वर्ष की कैद की सजा और 5 महीने की काल कोठरी में रहने का प्रावधान चाहता है। वहीं उनकी दूसरी कहानी गमी, जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद तीसरे बच्चे के जन्म को गमी अर्थात मौत के रूप में पेश करते हैं। प्रेमचंद कहानी में कुछ हास्य व्यंग के साथ धर्म का भी सहारा लेते हैं। उनका कहना था कि दो बच्चों से ज़्यादा यदि तीसरा बच्चा है तो एक सामाजिक समस्या, देश के लिए समस्या बन सकता, क्योंकि संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या अधिक होगी तो चारों तरफ त्राहिमाम ही होगा। कहानी में कथानायक संतान वृद्धि पर मूल समस्या का उल्लेख करते हुए कहता है कि मैं दो बच्चों का ही ठीक प्रकार से लालन पालन नहीं कर सकता तो तीसरा बच्चा पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत ही सरल और व्यंग के माध्यम से, इन दोनों कहानियों के माध्यम से जो जनसंख्या वृद्धि, आज हमारे देश की जनसंख्या अरब और चीन के बाद दूसरा स्थान, तो कहीं ना कहीं हम खुद हमारे देश में समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। फिर चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, भोजन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, जहाँ तक कि हम स्वच्छ हवा भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं जब आवश्यकता से अधिक या कहें जनसंख्या का विस्फोट होता है। तो बहुत ही बेहतर ढंग से इन दोनों कहानियों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि पर तीखा प्रहार किया गया है।